प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे शो में, जहां हम आपको बताते हैं आपकी हर समस्या का समाधान बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों, आज जिस वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं, वो एक बहुत ही साधारण सी विधि है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। ना तो आपको अपनी रसोई से कुछ लेना है और ना ही बाजार से। और एक महत्वपूर्ण बात, ये करने के लिए आपको एकांत स्थान की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे सोने से पहले अपने बिस्तर में ही करना है। इस विधि को संपन्न करने के लिए आपको किसी नदी पर नहीं जाना और ना ही किसी चौराहे पर, ना ही किसी पेड़ के नीचे, क्योंकि इसे आपको अपने बेडरूम में ही, अपने बिस्तर पर ही करना है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसकी विधि। शनिवार से आपको इस विधि की शुरुआत करनी है। रात को खाना खाने के बाद जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं तब इसे करना है। आपको सब कामों से फ्री होकर अपने सोने के स्थान पर जाना है और जाकर अपने बिस्तर पर पालथी मारकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। अब आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसके बारे में सोचिए। ये कोई भी स्त्री या पुरुष हो सकता है जिसको आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो है कि आपकी कोई बात सुन के ही राजी नहीं और वो किसी और को चाहता है, या आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है जिसके साथ कभी आपका रिश्ता बहुत प्यारा हुआ करता था, लेकिन अब आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है और आप दोनों में इतनी दूरियां आ गई हैं कि मिलना तो दूर, वो आपके मैसेज तक का जवाब नहीं देती। ये व्यक्ति आपकी पत्नी भी हो सकती है जिसके साथ पहले तो शादीशुदा जीवन बड़े मजे से चल रहा था, लेकिन अब वैवाहिक जीवन की गाड़ी पटरी से उतर गई है। तो आपको बिस्तर पर बैठकर अपनी पत्नी पर ध्यान लगाना है। ये व्यक्ति आपका पति या बॉयफ्रेंड भी हो सकता है जो किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया है और आपको इग्नोर करने लगा है और आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो ऐसे में भी ये मंत्र एकदम रामबाण का कार्य करता है। या ये कोई वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसके साथ कभी आपके बहुत नजदीक संबंध थे, लेकिन अब किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर या किसी पैसे से संबंधित बात को लेकर आपके रिश्ते में खटास आ गई है। ये व्यक्ति आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, जैसे कि माता पिता, बहन भाई, या आपका बिजनेस पार्टनर, या कोई बेस्ट फ्रेंड, या कोई भी जिनके साथ आपके पहले तो बहुत मधुर संबंध थे, लेकिन अब आप दोनों में ऐसी दूरियां बन गई हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी बात नहीं बन पा रही। तो अपने संबंधों में फिर से मधुरता लाने के लिए आपको इस व्यक्ति के बारे में सोचना है। तो जिस भी व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आप नए संबंध जोड़ना चाहते हैं, या किसी के साथ टूटे हुए रिश्ते फिर से जोड़ना चाहते हैं, तो आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना है, उस पर ध्यान लगाना है। ध्यान रहे, आपको केवल अच्छी बातें सोचनी है, सिर्फ पॉजिटिव बातें, मन में एक भी नेगेटिव ख्याल नहीं आना चाहिए। विधि शुरू करने से पहले आपको अपने पास थोड़ा पानी रख लेना है, क्योंकि विधि में इसकी जरूरत पड़ेगी। ध्यान लगाते वक्त जब आप प्रसन्न हो जाएं, तो एक मंत्र आपको बोलना है, ओम क्लीम नमो क्लीम दुम नमः। ये मंत्र आपको कुल 11 बार बोलना है और 11 बार बोल लेने के बाद अपने पास पड़े जल से खुद पर जल छिड़कना है। ध्यान रहे, आपको जल केवल अपने दाहिने हाथ से ही छिड़कना है। अब आपको सो जाना है। बस दो बातों का आपको ध्यान रखना है। इस दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना और ना ही हाथ में किसी प्रकार का कोई पत्थर, जैसे कि मूंगा या पुखराज वगैरह धारण नहीं करना। ये विधि आपको 3 बार करनी है।
शनिवार के दिन आपको इसकी शुरुआत करनी है, फिर इसे मंगलवार को दोहराना है और फिर दोहराना है शनिवार को। इस तरह ये विधि शुरू भी शनिवार को होगी और संपन्न भी शनिवार को। विधि संपन्न होने के एक दिन बाद ही देखेगा कैसे वो व्यक्ति आपकी तरफ खींचा चला आएगा, आपसे बात करने के बहाने ढूंढेगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि कब वो आपकी तरफ सम्मोहित हो गया। और दोस्तों, अगर आप इस विधि को ध्यानपूर्वक करने में सफल हो गए तो देखना कैसे आपका ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। इस रिश्ते की मिठास सारी जिंदगी भर बनी रहेगी। तो दोस्तों, विधि को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट है तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए।